नमस्कार, मैं हूँ स्वाति रायना। आज के वीडियो में हम जानेंगे ग्रेच्युटी का गणित, ग्रेच्युटी से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे, जैसे ग्रेच्युटी क्या होती है, ग्रेच्युटी कब मिलती है, 5 साल से कुछ दिन पहले अगर चली गई नौकरी तो क्या मिलेगी ग्रेच्युटी, 5 साल से पहले कर्मचारी की मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी का क्या होता है, खास तौर पर लॉकडाउन में अगर काम नहीं हुआ है तो क्या ग्रेच्युटी पर इसका असर पड़ेगा, छटनी या फिर सैलरी कट होने की स्थिति में ग्रेच्युटी के नियम क्या कहते हैं। चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं। तो सबसे पहले ग्रेच्युटी क्या है। ग्रेच्युटी का सिंपल डेफिनेशन होता है उपहार, और नौकरी के संदर्भ में समझें तो इसका मतलब होता है लंबे समय तक लगातार किसी कंपनी को अपनी सेवाएं देने का मॉनेटरी रिवॉर्ड। पर यह मॉनेटरी रिवॉर्ड कंपनी की मर्जी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कानूनन अनिवार्यता है। यानी आपकी कंपनी में 10 या फिर 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1975 के तहत आती है। और जो कंपनियां इस कानून के दायरे में नहीं आती है, मतलब ऐसी कंपनी जहां पर 10 या फिर 10 से कम कर्मचारी हैं, वो भी चाहें तो अपने एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी दे सकती है। ये तो हमने समझ लिया ग्रेच्युटी क्या होती है। अब ये जानना जरूरी है कि ग्रेच्युटी मिलने के नियम क्या होते हैं, जो कि हम एक एक करके अब समझते हैं। ग्रेच्युटी आपको आपकी सर्विस के बाद ही मिलती है, और ये तब मिलती है जब आपने कम से कम किसी कंपनी को अपने 5 साल दिए हो, वहाँ पर 5 साल की नौकरी की हो। अब ग्रेच्युटी की रकम कितनी होगी, ये दो चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला ये कि एम्प्लॉय ने उस कंपनी में कितने साल काम किया, मतलब आपकी उस कंपनी में सर्विस कितने टाइम की थी, जो कि मिनिमम 5 साल होनी चाहिए, और आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या थी। यहाँ पर सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, और उसमें अगर कोई महंगाई भत्ता है तो वो सैलरी के बाकी कंपोनेंट्स इसमें शामिल नहीं होते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे होती है, काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है, आप याद भी कर सकते हैं और सबसे बेस्ट ऑनलाइन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बेसिक सैलरी इंटू नौकरी के वर्ष इंटू 15 / 26। मान लीजिए लास्ट ड्रॉन सैलरी आपकी 25,000 रुपये थी, बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपने किसी कंपनी में 12 साल काम किया है, तो 25,000 इंटू 12 मतलब नौकरी के साल इंटू 15 / 26, तो 12 सालों की ग्रेच्युटी आपकी बनती है 1,73,077 रुपये। मानिए बेसिक सैलरी 50,000 रुपये थी, 8 साल किसी कंपनी में काम किया, तो 50,000 इंटू 8 इंटू 15 / 26 लगभग 2.5 लाख आपकी ग्रेच्युटी बनती है इन 8 सालों की। अब कुछ जरूरी सवालों के जवाब। 5 साल से कुछ दिन पहले अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो क्या उस सिचुएशन में आपको ग्रेच्युटी मिलती है, तो जरा ये समझिए। ग्रेच्युटी कानून के मुताबिक अगर आपने किसी कंपनी में 4 साल 8 महीने भी काम किया है तो उसे 5 साल टेन्योर ही माना जाएगा, और आपको 5 साल के हिसाब से ग्रेच्युटी बनेगी। मतलब कोशिश कीजिए 4 साल 8 महीने से ज़्यादा की नौकरी किसी कंपनी में करें तो ग्रेच्युटी बनेगी। अब लॉकडाउन में काम नहीं हुआ कर्मचारी का तो ग्रेच्युटी पर असर पड़ेगा। अब ये तो आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से कई कंपनियों में काफ़ी समय तक काम बंद रहा है, वर्क फ्रॉम होम का कई जगह पर ऑप्शन नहीं है, तो काम न कर पाने की स्थिति में कर्मचारी की ग्रेच्युटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन स्ट्राइक यानी हड़ताल जैसी ऐसी स्थिति किसी कर्मचारी की गलती नहीं होती है, वो उसके हाथ में नहीं होती है, तो इसमें आपकी ग्रेच्युटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और वैसे भी ये आपके नौकरी छोड़ने के बाद आपको मिलती है। अब छटनी हुई है या फिर सैलरी कट हुई है तो ग्रेच्युटी पर कोई असर पड़ेगा। आजकल की परिस्थिति में कई कंपनियों में छटनी हुई है, ले ऑफ्स हुए हैं, तो ले ऑफ होने वाले कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। बस इसमें बेसिक शर्त यही है कि कर्मचारी के अनइंटरप्टेड 5 साल नौकरी के पूरे हो चुके हों। एक और स्थिति इसमें जिसमें हमने बात की वो ये थी कि सैलरी कट अगर हो जाती है, जो कि कई कंपनीज में हुई है, तो उसके बाद नौकरी छोड़ते हैं तो जाहिर तौर पर लास्ट ड्रॉन सैलरी के हिसाब से ही आपकी ग्रेच्युटी कैलकुलेट होगी। अब क्या कोई ऐसी स्थिति है जिसमें सारी शर्तें पूरी होने के बावजूद आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है? बिल्कुल है, और ऐसी स्थिति तब आती है जब किसी डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत कर्मचारी को टर्मिनेट किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको ग्रेच्युटी नहीं भी दे सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, 5 साल नौकरी पूरा करने से पहले मृत्यु हो जाए तो क्या।
अगर 5 साल की सर्विस से पहले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के नॉमिनी को उस अवधि की ग्रेच्युटी मिलेगी। अब इसमें कैसे ये डिसाइड होता है, 1 साल से कम टाइम का सर्विस रहा है अगर उस कर्मचारी का जिसका मृत्यु हुई है तो बेसिक पे का 2 गुना मिलता है, 1 से 5 साल की सर्विस का अगर टाइम रहा तो बेसिक पे का 6 गुना ग्रेच्युटी बनेगी। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने लायक ये है कि ये टोटल सम जो है अमाउंट है वो 20 लाख से ज़्यादा ग्रेच्युटी के रूप में नहीं दिया जाता है। या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई डिसेबिलिटी आती है उसकी वजह से 5 साल से पहले ही नौकरी चली जाती है, सक्षम नहीं है काम करने के लिए, तो उस अवधि की ग्रेच्युटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। अब ये बात समझिए कि ग्रेच्युटी के मिनिमम 5 साल के इस शर्त में कौन कौन सी छुट्टी शामिल नहीं होती है, ये आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे। अब वो छुट्टी कौन सी है, कर्मचारी पूरी सैलरी के साथ छुट्टी पर हो, मतलब जो आप अपनी लीव्स अवेल करते हैं, एक्सीडेंट के चलते कर्मचारी अस्थाई अक्षमता की वजह से काम पर ना आ रहा हो, वो इसमें शामिल है, और महिला कर्मचारी के मामले में वो मटर्निटी लीव है जो कि 6 महीने की होती है। ये सभी जो दिन हैं या ये सभी लीव्स जो हैं वो कामकाजी दिनों में ही शामिल होते हैं, उसके आपकी ग्रेच्युटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स बेनिफिट, 20 लाख तक की आपकी जो ग्रेच्युटी है वो है टैक्स फ्री। तो ग्रेच्युटी की कुछ बारीकियां हैं, कुछ गणित है जो आज हमने अपने वीडियो में आपको समझाया है। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।